हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विनोद शर्मा। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं पहुंचा हूं मानसा पंजाब में, एक ऐसी जगह जहां पर आपको सूई से लेके और हेलीकॉप्टर तक सब मिलेगा। भाई ये बोलते हैं कि सूई से लेकर जहाज़ तक सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं मिल सकती, लेकिन ये रियल में हुआ है मानसा पंजाब में। यहाँ पे और वो भी एक छोटे एक कबाड़ी की दुकान पर। तो चलिए मानसा के सबसे मशहूर कबाड़िया मिठू कबाड़िया के यहाँ पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि उनके लिए यहाँ पे सुई से और जहाँ तक क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सच में ये बात सच है। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मिठू कबाड़िया जी के यहाँ पे। ये देखिए पीछे में इतनी बड़ी बस है और वो भी कबाड़ी में। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि बस भी कबाड़ी में मिल जाते हैं। भाई मिठू कबाड़िया जी पूरे पंजाब में इतने फेमस हैं कि अगर कोई भी गाड़ी ख़राब होती है, कोई पार्ट्स कहीं नहीं मिलता, पूरी मार्केट में ढूंढने पर अगर कोई पार्ट्स नहीं मिलेगा तो इनके यहाँ पुराने पार्ट्स मिल जाएंगे, पुरानी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, एक से एक महंगी से महंगी गाड़ियाँ यहाँ कबाड़ी के भाव से मिल जाएंगी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीछे बड़े से बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इधर देखिए बसें, बुलेरो गाड़ियाँ सब लगी हैं। और देखिए पीछे बसें हैं और ये बसें यहाँ सब कबाड़ी में मिलती हैं। ये देखिए मेरे पीछे में आपने देखा ट्रैक्टर ट्रैली क्रेन्स, और ये देखिए सभी गाड़ियाँ महिंद्रा की सभी गाड़ियाँ हैं। इधर महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं और ये जीप देखिए सारी एक से एक कमांडर जीप वगैरह, आर्मी जीप वगैरह सब यहाँ मिल जाते हैं। और स्पेशली आपको अगर किसी भी गाड़ी का पार्ट्स नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से आसानी से आके पार्ट्स ले सकते हैं। कोई भी इंजन का पार्ट है या कोई ऐसा पार्ट है जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स थार जीप जिसमें लोग बैठने के सपने लेते हैं और आजकल के यंग एज के लड़के हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास भी थार हो, और ये देखिए यहाँ आपको आसानी से मिल जा रही है एक से एक गाड़ियाँ। ये पुराने एम्बेसडर देखिए जो आजकल कहीं दिखाई नहीं देती वो गाड़ी हमें यहाँ मिलेगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जीप है यहाँ पर सारी। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर एक भैया मिले हैं, उनसे पता करते हैं कि यहाँ पर कौन सी गाड़ियाँ मिल जाती हैं और मिठू कबाड़िया जी यहाँ कितने दिन से बिजनेस कर रहे हैं, कब से यहाँ कबाड़ी का बिजनेस चल रहा है इनका और इतने बड़े लेवल पर कैसे पहुँचा। पूरे पंजाब में आज इनको जानते हैं और पूरे इंडिया में जानते हैं क्योंकि इन्होंने आर्मी से हेलीकॉप्टर लेके आए थे और वो हेलीकॉप्टर भैया पे आपको दिखाएंगे। तो चलिए बात करते हैं भैया से। नमस्कार भैया, ये बताइए कि मिठू कबाड़िया जी का यहाँ बिजनेस कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे? मैनू तो लगे अपना 2.5 साल हो गए। उदू पहला दा बहुत वधिया बिजनेस चली जांदा, जदों दा मैं 2.5 सालां दा इत्थे आया इन्हां दा बहुत वधिया बिजनेस चलदा। ते इक साडे कोल 5 मॉडल तो ला के 18 मॉडल तक गड्डी आ कोई भी। इनके यहाँ पे 5 मॉडल से लेकर 18 मॉडल तक सभी गाड़ियाँ हैं, 2005 से 18 तक की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, और उनसे न्यू गाड़ियाँ भी अभी यहाँ कुछ जो लोग कबाड़ी में छोड़ जाते हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो चलिए अभी इनसे पता करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे और यहाँ क्या क्या है। हाँ हर एक चीज़ मिलेगी, जे किसी को बाडी चाहिए आ, बाडी की चादर चाहिए आ, टायर चाहिए, कमाणी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। ए तो ला के जेड तक सब समान मिलेगा कोई चीज़ लो। तो यहाँ पे आप गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी चाहते हैं A to Z सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपको सुई से लेकर जहाज तक यहाँ मिलेगा। We'll be right back.
फ्रेंड्स, अभी हमने जीप वाले सेक्शन में देखा, अभी हम देखते हैं कि यहाँ कारें कौन से हैं। ये देखिए आप पीछे में जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे 2005 से लेकर 2018 तक की जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं, सब मिल जाएंगी। और जिस भी गाड़ी का आप स्पेयर पार्ट भी लेना चाहते हैं तो आराम से यहाँ आ सकते हैं और इनसे ले सकते हैं। इंजन का जो भी पार्ट्स में आपको चाहिए वो आराम से यहाँ मिल जाएगा। आपको पूरे पंजाब में मार्केट में जो पार्ट नहीं मिल रहा वो आप यहाँ आके ले सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं जिसके लिए हम देखने आए थे। ये देखिए आप मेरे पीछे दो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। यहाँ पे मिठू कबाड़िया जी के यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी बिकते हैं और वो भी कबाड़ी के रेट से। अगर हेलीकॉप्टर का भी कोई पार्ट चाहिए तो आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं और आराम से आके यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि यहाँ पे आर्मी के हेलीकॉप्टर भी हैं और मैंने अंदर से हेलीकॉप्टर कैसे हैं, क्या कंडीशन में हैं, वो भी आप लोगों को दिखाया। तो चलिए अभी और देख लेते हैं यहाँ पे आगे में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स कहाँ रखते हैं। उधर मेरे पीछे का जो एरिया है वहाँ से भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स इंजन वगैरह रखे रहते हैं और वहाँ पीछे में इनका ऑफिस है। जो लोग यहाँ विजिट करना चाहते हैं, जिनको गाड़ी चाहिए या स्पेयर पार्ट्स चाहिए, ये वो लोग यहाँ आराम से आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मानसा में सब लोग यहाँ आते रहते हैं और सेल्फी लेते रहते हैं, सब लोग यहाँ एंजॉय करने भी आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बाकी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बचा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 16 चक्का 20 चक्का टायर्स वाले ट्रंक भी मिलते हैं, रोड रोलर सब मिलते हैं यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं पीछे, और यहाँ पे आपको छोटी बसें, बड़े वाली बसें सब आराम से मिल जाएंगी। ये पेट्रोल वगैरह की, डीजल वगैरह की जो गाड़ियाँ हैं वो भी आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं।
और मुझे यहाँ सबसे अच्छा एक चीज़ लगी, ये देखिए ट्रैक्टर बिल्कुल न्यू कंडीशन का ट्रैक्टर है, लेकिन उसको भी कबाड़ी में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह मानसा मिट्ठू कबाड़िया से रिलेटेड ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहें। थैंक यू।